बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं लेके आई हूँ नई रेसिपी गाजर के हलवे की, जिसके लिए हमें चाहिए होगा, ये मैंने 2 किलो गाजर लिया है जिसको मैंने ग्रेट करके रख लिया है। ये मैंने 250 ग्राम खोया लिया है और ये मैंने 50 ग्राम गरी का बुरादा लिया है और 5 इलायची ली है। ये 20 से 25 बादाम लिए हैं और ये 20 से 25 पिस्ता लिए हैं। चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए एक बड़ा कुकर, उसमें जाएगी सारी गाजर। सारी गाजर इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। मैंने गाजर इसमें ट्रांसफर कर ली है। इसमें 2 इलायची डाल दीजिए तोड़ के। इसमें हमें अभी कुछ नहीं चाहिए, बस इसी को गैस पे 2 स्टीम लगा लेना है। चलिए गैस को कर लेते हैं ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको 2 स्टीम आने तक पकाएं, उसके बाद इसको खोल के देखेंगे जब तक हम अपने बादाम को कटिंग कर लेते हैं। अब इसमें देखिए 2 सीटी हो चुकी है और अपने गैस को कर देंगे बंद। उसके बाद कुकर खोल के देखते हैं। इसकी स्टीम निकाल देंगे, कुकर को कर लेंगे ओपन। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। गैस को कर लेंगे ऑन। ये मैंने 1 कटोरी भर के चीनी ली है, आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना मीठा खाते हो कम ज्यादा चीनी इसमें जाएगी। इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। अब इसको चलाते हुए इसको भून लेंगे अच्छे से। इसको भूनते हुए हमको 10 से 15 मिनट हो गए हैं। इसको अच्छे तरह से भून लीजिए जब तक इसका पानी बिल्कुल सूख ना जाए। देखिए इसका पानी अच्छे से सूख चुका है। ये खोया जो मैंने लिया था इसको मैंने अच्छे से तोड़ लिया है। इसको इसी में मिक्स कर देंगे। गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा बचा लेंगे। इसको चलाते हुए खोए को भी अच्छे से भूनेंगे इसी में। माशाल्लाह इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसको बराबर चलाते हुए भूनना है आपको। इसको भूनते हुए मैं 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। इसको खूब अच्छे से भून लीजिए। अब इसमें जाएंगे सारे ड्राई फ्रूट्स। ये मैंने जो गरी ली थी वो जाएगा। ये है बादाम और पिस्ता, ये भी जाएगा।
इसको भी अच्छे से चला लेंगे, इसमें मिक्स कर लेंगे। इसको जितने अच्छे से भूनेंगे उतना अच्छा टेस्ट उसमें आएगा। गाजर का हलवा मेरा हो चुका है रेडी। अब इसमें आप ले लीजिए तड़का पैन में 100 ग्राम घी, मैंने देसी घी लिया है। गैस को करेंगे ऑन। अब इसमें लगा देंगे घी का तड़का। अब गैस को बंद कर देंगे। घी को अच्छे से गरम कर लीजिए। घी मेरा अच्छे से गरम हो चुका है, इसमें इलायची दाना डाल दीजिए। ये मैंने 3 इलायची लिया है। ये देखिए इलायची हो गई लाल, अब इसे इसी में चला जाएगा। माशाल्लाह क्या खुशबू है, बहुत यम्मी बना हुआ है। इसको आप भी बनाइए, आप भी खाइए। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा गाजर का हलवा हो चुका है तैयार। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मुझको दुआओं में याद रखिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।